डालने वाला है प्लेट में, बस इतना ही। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आज हम लोग जो मटन सुक्का होता है ना, हम लोग का होटल में मटन सुक्का मटन फ्राई जो देते हैं, वो कैसे आप घर में बना सकते हैं। सिंपल मसाला है, आप लोग देखते जाइए, और जो मेरा वीडियो देख रहा है वो लाइक करिए और शेयर करके जाइए, देखते रहिए। ये रहा एक ऑनियन, ये रहा चिल्ली पाउडर, ये क्यूमिन पाउडर, और एक गरम मसाला, और एक ये कर दे ये हो। ये रहा गरम मसाला, ये ऑयल है, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। अभी हम लोग एक प्याज काटने वाले हैं, एक ही प्याज डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ये रहा देखिए, एक किलो हम लोग का बोनलेस मटन आता है, ये डाल दिया इसमें, और ये रहा प्याज, ये रहा अदरक लहसुन, ये रहा गरम मसाला, ये रहा देखिए सॉल्ट जितना चाहिए, और ये रहा चिल्ली पाउडर, ये रहा थोड़ा इलायची लौंग पत्ता, और ये क्यूमिन पाउडर, और ये रहा ऑयल मस्टर्ड ऑयल। इसको अच्छा से मैरिनेट कीजिए। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया तो ये देखिए कैसा आया, और अच्छा से ये हो गया। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, ये रहा पानी, दोनों मटन में थोड़ा पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब बॉयल नहीं होगा। ये हो गया देखिए, क्यों ना मटन में ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, क्यों ना मटन बॉयल नहीं होगा। मुंडी नहीं चाहिए, क्यों ना इसे हम लोग बॉयल करते हैं, मुंडी में जल्दी बॉयल हो जाता है, टेस्ट नहीं रहता है, इसमें स्लो स्लो इसे पकता रहेगा। अभी ये देखिए, अभी मटन फूट रहा अच्छा से। आप लोग सोच रहे हैं जो कुकर लगाए, मैं कुकर कभी भी नहीं लगाता, कुकर में जल्दी पक जाता है, टेस्ट नहीं होता, इसमें अच्छा से टेस्ट होता है। अब देखिए फूट रहा है, फूट फूट के मटन भी बॉयल हो जाएगा, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। आपको ये देखो भाई, अभी पानी कम कम के आ रहा, देखना लास्ट तक, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ मटन सुखा रहा कैसे होता। अभी देखिए दोस्तों, अभी हो गया, अभी पूरा ड्राई हो गया, अभी हम लोग इसको डालने वाले हैं, आप लोग देखते जाइए, प्लेट में डाल के सर्व करेंगे। ये अच्छा हुआ, अभी हम लोग डालने वाले हैं प्लेट में। ये देखिए मटन सूखा और मटन रोगन जूस हम लोग का रेडी हो गया। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप लोग देखते जाइए। देखिए पूरा बॉयल भी हो चुका है, देखिए पूरा बॉयल भी अच्छे से बॉयल हो गया, बस इतना ही।